CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 1। आइए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग 1 का 19वां सबक। फैज अहमद फैज, सफा नंबर 158, तारुफे शायर। फैज अहमद फैज 1911 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक। फैज सियालकोट के एक गांव में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट से हासिल की। अंग्रेजी से एमए करने के बाद अमृतसर के एक कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए। बाद में उन्होंने फौज में मुलाजमत की, फिर अंग्रेजी सहाफत में सरगर्म रहे। उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में शरीक होने के जुर्म में कई साल तक कैदोबंद की सजा भी भुगतनी पड़ी। फैज का इंतकाल लाहौर में हुआ। फैज गजल और नज्म दोनों में मुमताज हैं। उन्होंने गजल का क्लासिकी रिवायत से इस्तेफादा किया और उसे इनकलाबी फिक्र से हम आहंग करके एक बिल्कुल नई कैफियत पैदा की। फैज अहम तरीन तरक्की पसंद शायर थे। उन्होंने जिला वतनी की जिंदगी भी गुजारी, लेकिन वो हक व इंसाफ के लिए बराबर आवाज उठाते रहे। उनकी शायरी में दर्दमंदी, दिल आवेजी और तासीर है। मुख्तलिफ जबानों में उनके कलाम के तर्जुमे हो चुके हैं। उनके मजमुए नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तहसंग, नमरे वादिये सीना, शामे शहरे यारा और मेरे दिल मेरे मुसाफिर वगैरह हैं। उनका कुल्यात नुस्खा हाय वफा के नाम से शाये हुआ। सफा नंबर 159। बोल। शायर फैज अहमद फैज। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। देख के आहन घर की तुका में तुंद हैं शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल जो कुछ कहना है कह ले। सफा नंबर 160। मश्क। लफ्ज़ो मानी। सुतवां सीधा। आमतौर पर ये लफ्ज़ सुतवां सीधा और सीधी नाक के लिए बोला जाता है, जैसे सुतवां नाक, लेकिन शायर ने यहां सुतवां जिस्म लिखा है। आहनगर लुहार। तुंद तेज। आहन लोहा। दहाना दहन जबड़े। गौर करने की बात। इस नज्म में इजहार ख्याल की आजादी पर जोर दिया गया है। दुनिया में हक व बातिल की जंग बराबर जारी रहती है, लेकिन दुनिया की फलाह के लिए हक यानी सच का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सच को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और आजादी इजहार की जरूरत होती है। सच को दबाने के लिए सच के खिलाफ बहुत सी ताकतें अपना काम करती रहती हैं। उन्हें कुचलना जरूरी है और इसके लिए हक बात बोलते रहना लाजमी है। सफा नंबर 161। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1। वो कौन से हालात हैं जिनके खिलाफ इंसान का बोलना जरूरी है। सवाल नंबर 2।
बोलना फौरी तौर पर क्यों जरूरी है और इसे क्यों नहीं टाला जा सकता? सवाल नंबर 3। तमाम मुखालफतों के बावजूद एक चीज बोलने वाले के हक में अभी बाकी है, वो क्या है? अमली काम। इस नज्म को बुलंद आवाज से पढ़िए और जबानी याद कीजिए। नज्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। इसी के साथ नवाए उर्दू भाग 1 का 19वां सबक यहाँ खत्म हुआ। इसके बाद सबक 20 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।